हेलो गाइस, तो आज के साइंस विद सूरज चैनल के साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है जो कि होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए इसको शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि जब भी एक फीमेल बॉडी या मेल बॉडी रिप्रोडक्शन कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ, उनकी फिजिकल बीइंग, उनकी मेंटल बीइंग एंड उनकी सोशल बीइंग बहुत फिट एंड फाइन होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस समय रिप्रोडक्शन के समय अगर वो एंग्री मोड में है, अगर वो थोड़े से बीमार है, अगर वो थोड़े से लेथार्जिक है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आने वाले बेबी पे भी होगा। तो इस कारण से बोलते हैं कि आपको रेगुलर फिटनेस करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेंटल फिटनेस बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहीं ना कहीं सुधर जाती है। तो यही लिखा है कि द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल फिटनेस कैन लीड टू अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और कभी कभार ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेल पार्टनर को कोई डिसीज है एंड वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इस केस में ये चीज गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक डिसीज है तो वो डिसीज आने वाले बेबी को भी हो सकती है। ऐसी कुछ डिसीज जिसको हम जो सेक्स के द्वारा फैलती है उन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीज कुछ आपने सुनी भी होगी, एड्स, SID। एड्स का फुल फॉर्म भी रहता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये वाली बीमारी भी हो सकती है जब आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है। और आप जब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट मतलब कि आप नहीं चाहते कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उसे हम कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके बेसिक जनरल नॉलेज के लिए, ये टॉपिक आपकी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। वो कहावत तो सुनी होगी, बच्चे दो ही अच्छे, सुनी होगी सर, बट इंडिया में तो लॉकडाउन भी हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन मचलता रहता है। तो इस कारण से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसके लिए एक पर्टिकुलर मेजर्स लेने पड़ते हैं। पर्टिकुलर मेजर्स लेने का मतलब क्या है, सबसे पहले लोगों को एजुकेट करो कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली साइज को वो कंट्रोल करें। दो बच्चे इज मैक्स, दो से ज्यादा तीन, चार, पांच, छह, सात, तो कहीं ना कहीं इस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर कि दूसरी चीज की मैरिज की एज को आप बढ़ा दीजिए, जो ऑलरेडी बढ़ा भी चुके हैं। बाल विवाह जो होता था 14 के नीचे, जो जिन्हें हम टीनेज प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं एक बुरी चीज है। रीजन भी कि छोटे से आप 14 साल की उम्र की लड़की या उससे भी कम को आप एक जो भी मैच्योर नहीं हो, जिनकी बॉडी अभी एडोलेसेंस एज में है, आप उन्हें एक प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मर भी सकते हैं, उनका बेबी भी दिक्कत में आ सकता है, तो ये चीज है। फिर अगर किसी को प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे मेल बॉडी कॉन्डम्स का यूज कर सकती, जो कि कहीं ना कहीं पेनिस पे लगाया जाता है। पेनिस पे लगाने का मतलब क्या रहता है कि उस चीज से स्पर्म एजुकेशन नहीं होगा, स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगी वजाइना तक। फीमेल बॉडी में भी ऐसा करा जा सकता है, मेल बॉडी में जैसे बताया मैंने आपको, फीमेल बॉडी में कॉनिकल कैप्स लगाते हैं वजाइना पे, ताकि वजाइना की वॉल ब्रेक नहीं हो। अगर वजाइना की वॉल ब्रेक नहीं होगी तो कहीं कहीं स्पर्म ट्रेवल नहीं करेगी। तो ये लिखा, कॉन्डम्स पुट ऑन पेनिस टू स्टॉप द स्पर्म्स, कॉनिकल कैप्स फिटेड इन वजाइना टू स्टॉप एंटरिंग स्पर्म्स। तो ये था कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बड़ा आसान सा टॉपिक था जनरल नॉलेज की, और इसकी नॉलेज आप भी रखिए। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सोसाइटी में इसे बात करिए। ये अब ऐसा चैप्टर है रिप्रोडक्शन जिसकी हाइप बहुत बनाते हैं बच्चे, बट कहीं ना कहीं ऐसा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर से आपको नॉलेज लेनी चाहिए कि कैसे एक फीमेल बॉडी को कितना सहन करके एक बच्चे को जन्म लेना पड़ता है। पूरे 9 months इतनी टफ डिलीवरी एंड टफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसे डिलीवरी देनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया चालू। एंड गाइस, आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे नोट्स, चाहे वो साइंस हो, सोशल हो या कोई भी अलग मटेरियल हो, उसके रिलेटेड आपको गूगल ड्राइव के नीचे लिंक मिलिए, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।